आज हमारे स्टेट पर लोग कहते कि बीजेपी ने अपना इलेक्शन सिंबल बदलना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि उन्होंने सिंबल जो उनका है कमल का फूल वो बदलना चाहिए, वहाँ वॉशिंग मशीन लेना चाहिए धुलाई करने के लिए। जिनके खिलाफ एक्शन है ऐसे हम कहते इलीगेशन है, वह उससे फांसी हो जाता है तो उनकी धुलाई क्लीन करके जाते हैं कि देश का माहौल बदल रहा है। और मैंने कई जगह फिर कहा कि आप पूरा हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने देखिए, कहाँ कहाँ का बीजेपी है और कहाँ नहीं है। केरल से शुरुआत करिए, केरल में बीजेपी है नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी है नहीं है, गोवा में बीजेपी नहीं थी, गोवा में वहाँ बीजेपी नहीं थी और वहाँ चुनकर आई हुई पार्टी ने बगावत करके उनके एमएलए तोड़ के वहाँ उनकी हुकूमत आ गई, वो हुकूमत लेजिस्लेट नहीं थी। अब हैदराबाद में जाइए बीजेपी है, आंध्र में जाइए बीजेपी है, गुजरात महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुकूमत थी, कुछ लोग बाहर गए वहाँ की हुकूमत गई, बीजेपी नहीं थी, इस तरह से साजिश करके बीजेपी वहाँ गुजरात में बीजेपी है हम मानते हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में हुकूमत थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, वहाँ लगाव किए गए, लोग तोड़े गए और वहाँ शिवराज सिंह चौहान की वहाँ वहाँ हुकूमत आ गई, वैसे वहाँ हुकूमत नहीं थी। राजस्थान में बीजेपी है नहीं, दिल्ली में बीजेपी है, पंजाब में बीजेपी है, उड़ीसा में बीजेपी है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी है, है का उत्तर प्रदेश गुजरात और दो तीन छोटे छोटे राज्य वहाँ बीजेपी है। आज जैसे मैंने आपके सामने गिनती की, इससे एक बात साबित होती है कि देश का मूड अब बदला है, बदल रहा है, अब बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं। खाली हम सब लोग मिलकर एक राय से लोगों को एक विशाल भरोसा देंगे कि हम आपको वायबल अल्टरनेटिव देंगे तो लोग इस देश को बदलाव में शामिल हो जाएंगे। क्यों नहीं हो जाएगी, क्या स्थिति है? आज मोदी जी के हाथ में हुकूमत है, भाजपा के हाथ में हुकूमत है, कैसे राज चल रहा है? 3 दिन पहले राष्ट्रपति का जो पिता का सदन हम सब लोगों ने किया 2 अक्टूबर महात्मा जी का दिन पूरे देश में दुनिया में सुना। आज भी दुनिया में महात्मा जी का नाम सुन लोग थे कि उनके नेतृत्व में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी फिर भी अहिंसा सत्य इसका आधार लेकर उन्होंने जनमत संगठित किया और लोगों ने शांति से देश में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश की, इसमें उनको कामयाबी मिली। साथ साथ दूसरे एक नेता जिनका स्वजन हम 2 अक्टूबर से करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री इससे एक बात साबित होती है कि ईमानदार आदमी हो तो लोग उसके साथ रहते। आज भारतीय जनता पार्टी जो चुने हुए सरकार को तोड़ने की साजिश करते हैं उन्हें इस देश की जनता ईमानदार बनने के लिए तैयार नहीं है। ये कई राज्यों के डिसीजन से आपके सामने बात साची हो गई।
कितनी बातें हम कह सकते हैं। आज मणिपुर के अध्यक्ष ने यहाँ बात की, मणिपुर में संडे सुबह महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, शर्म लगती है, उनके नंगे करके उनसे फरियाद की गई। ये इज्जत हम बहन हमारी बहन माँ इनके रखेंगे? और इस तरह का काम वहाँ होता है, इतने दिन से होता है, केंद्र सरकार भारत सरकार कुछ कदम उठाते हैं? इतना सब होने के बाद भी वहाँ का मुख्य उनसे वही होता है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता रहती है? देश के प्रधानमंत्री को ऐसे कभी लगा नहीं कि वहाँ हजारों लोगों के मकान जलाए, हजारों लोगों के ऊपर हमले हो गए, महिलाओं को अत्याचार किए, ऐसे राज्य में जाकर वहाँ के लोगों को भरोसा देने का काम देश के प्रधानमंत्री का नहीं है? वो गए नहीं, खाली फाजन से एक मिनट से डेढ़ मिनट इस राज्य में बोला, कल फर्शों तक वहाँ अभी जो संघर्ष है वो संघर्ष आज भी चालू है। ये स्थिति है, कहे के लिए उनको लोग मदद करें? ये स्थिति वहाँ की है, कितनी स्थिति कितनी बातें हम कर सकते हैं? एजेंसी, कई लोगों को कई एजेंसी का नाम 5-10 साल पहले मालूम ही नहीं था। आप सच्चाई से बताए कि 10 साल पहले आपको ईजी नाम मालूम था क्या? आज कहीं भी जाओ, गांव में जाओ, विलेज में जाओ, दो लोगों में झगड़ा हो गया तो एक बोलता है, तुम बदमाशी मत करो नहीं तो मैं ईजी जाता हूँ। ये ईजी CBI ऐसी एजेंसी इस देश में थी नहीं थी ऐसे नहीं, और इसका गलत इस्तेमाल कभी होता नहीं। आज के अखबार में हमने देखा कि यहाँ दिल्ली में जब खुलसी के साथी यहाँ हुकूमत हुए, उनका राज्यसभा का जो सदस्य था, बड़ा आदमी था, तब उनके घर पर छापे मारे। सुबह 7 बजे लोग गए, रात को 8-10 बजे तक भाई थे, और रात को 8-10 बजे उनका एड्रेस किया, गिरफ्तार किया और जेल में रखा है। मुझे ऐसे किसी ने बताया कि आज सुबह दूसरे राज्य में ऐसे ही काम शुरू हो, ऐसे ही काम पश्चिम बंगाल में हुआ था, ममता जी के जो साथी है इनके खिलाफ ईवी का इस्तेमाल करके छापे मारकर कई लोगों को वहाँ तंग किया गया। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के होम मिनिस्टर, उनके ऊपर छापे मारे, उनको गिरफ्तार किया, 13 महीने उनको जेल में रखा, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। 13 महीने सिर्फ राज्य के गृहमंत्री को वहाँ रखे और इनके खिलाफ कुछ सबूत मिला नहीं, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। शिवसेना का नेता, पार्लियामेंट का मेंबर, उनका नाम है संजय राउत, उन्होंने कुछ न कुछ अपने अखबार में बीजेपी के खिलाफ लिखा, प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा, उनको एडजस्ट किया गया, 8 बजे उनको जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली उनको छोड़ दिया, वो आज बाहर है। राजनीति में चुनाव आएगा तो लोगों के सामने अपनी भूमिका रखकर, लोगों का समर्थन लेकर आप राजनीति में कामयाब हो गए तो मैं समझ सकता हूँ, मगर ये जो प्रजातंत्र का रास्ता है वह छोड़कर
उसके खिलाफ जो राजनीतिक दल है, जो नेता लोग हैं, इनके खिलाफ CBI या ED इसका इस्तेमाल करके इनको खत्म करने के लिए राजनीतिक दृष्टि से आज साजिश हो गई है, ये लोगों को पसंद नहीं है। आज तो गजब की बात है कि आज के अखबार में बात ऐसी आई है कि कोर्ट ने पूछा दिल्ली में जिनके खिलाफ एक्शन लिए ये आदमी आप पार्टी का था, केजरीवाल के पार्टी का था, और केजरीवाल के पार्टी के बारे में शराब की पॉलिसी इस बारे में ये इंक्वायरी चालू है। और इससे किसी ने तो कहा राजनीतिक दल को फैसला दे दिया। जज ने आज ऐसा पूछा है कि ठीक है, लोगों को आदेश किया, वह राजनीतिक दल के खिलाफ कुछ कदम उठा सकते हैं क्या, ये देखना चाहिए। यानी आज तक राजनीतिक दल में काम करने वाले नेता लोगों के खिलाफ कदम उठाना, ये भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है। आज जो बात अखबार में आई है वो सच्चाई हो तो इसके बाद राजनीतिक दल के खिलाफ इसी तरह से कदम उठाने की बात इन लोगों के मन में है, ऐसी आशंका किसी को आ गई तो हम उनको गलत नहीं कह सकते। और ये काम BJP कर रहे, प्रधानमंत्री ऐसे कामों को सफल करते। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, देश की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, हम मानते हैं। मगर प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी और राजनीतिक जिम्मेदारी इससे फर्क है, वो फर्क के बारे में वो ध्यान देते हैं। मैंने कई बार कई राजनीतिक नेता और प्रधानमंत्री के मीटिंग ऐसे थी, जवाहरलाल नेहरू के मीटिंग मैंने जब कॉलेज में पढ़ता था तो उसे इंदिरा जी के देखे, नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में खुद था, मोरारजी भाई का देखा, देवेगौड़ा का देखा, आज के प्रधानमंत्री और पुराने प्रधानमंत्री इसमें एक फर्क था। फर्क ये था कि प्रधानमंत्री देश का विकास का एक कोई भी प्रोजेक्ट हो इसकी इनॉग्रेशन के लिए जाते थे तो वहाँ राजनीतिक बात कभी करते नहीं थे। जवानों का इश्यू हो, आदमी का इश्यू हो, वो आदमी के इश्यू के लिए प्रधानमंत्री जाते थे तो वहाँ जवानों के बारे में, देश की रक्षा के बारे में बोलते थे, मगर विपक्ष से तो वहाँ गालियाँ देते नहीं थे। आज के प्रधानमंत्री जयपुर में जाते हैं, रेलवे की कोई नई लाइन का इनोग्रेशन करते हैं, प्रोग्राम रेलवे का होता है, इन्विटेशन कार्ड रेलवे बोर्ड का होता है। इनोग्रेशन होने के बाद फिर शुरू होती है इनकी बात, इनकी रेलगाड़ी वहाँ के विपक्ष के लोग हैं इनके खिलाफ जाते हैं। हर जगह पर प्रधानमंत्री ये बात भूलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, देश का प्रशासन का प्रमुख हो, पार्टी का मेरा कार्यक्रम हो तो मैं पार्टी के बारे में बोल सकता है, मगर सरकारी कार्यक्रम हो, शासकीय कार्यक्रम हो, वहाँ राजनीति लाना ये बात आज से पहले कौन से भी प्रधानमंत्री ने कभी किया नहीं, वो आज अति कहीं करते। भोपाल में गए और भोपाल में जाने के बाद उन्होंने वहाँ एक भाषण दे दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का सही व्यस्त पार्टी, और उन्होंने दो मसले दे दिए क्या इसे ऐसी बातें हो गई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ मंत्रियों ने
जब उनके हाथ में रुको थी हमने स्टेटमेंट दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व्यस्त हो तो आप दिखाइए, इंक्वायरी करिए, किसने गलत काम किया हो तो इसके खिलाफ आप एक्शन ले लो, इसमें सच्चाई हो तो उसको सजा दे दो। फिर इस बारे में बोलने के लिए उनकी कोई तैयारी नहीं थी। मैंने जो आरोप किया, इल्जाम किया, ये इल्जाम जिनके खिलाफ थे, चार दिन के बाद उनको राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल किया। वही स्थिति थी। आज जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, 8 लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। मैं साफ बताना चाहता हूँ कि सभी 8 लोग मुझे मिलने के लिए आए थे एक महीना पहले, और उन्होंने ये कहा कि हमारे खिलाफ ईडी की इंक्वायरी शुरू हो रही है। कुछ भी कहिए, इससे रास्ता निकालिए। हमें ये कहना गया कि आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, आप नहीं आओगे तो ईडी की इंक्वायरी आपके खिलाफ होगी, तो आपको तय करना है इधर जाना या उधर जाना। इनमें से कुछ ईमानदार कार्यकर्ता थे, साथी थे, जैसे मैंने कहा कि अनिल देशमुख जो गृहमंत्री था, उन्हें जब बताया उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं, मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं, मगर मैं मेरी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। उनको 13 महीने अंदर दिखाया, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी वैसी उनको छोड़ दिया, तो ऐसे कोई ना कोई साथी हमारे नीचे कि वो डरे नहीं। आज हमारे स्टेट में लोग कहते कि बीजेपी ने अपना इलेक्शन सिंबल बदलना चाहिए। बीजेपी ने पूछा क्या बदलना चाहिए, क्या गिरना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि उन्होंने सिंबल जो उनका है कमल का फूल वो बदलना चाहिए, वहाँ वॉशिंग मशीन लेना चाहिए धुलाई करने के लिए। जिनके खिलाफ एक्शन है ऐसे हम कहते हैं, इरीगेशन है, वह आपसे फांसी में जाता है तो उनकी धुलाई क्लीन करके जाते हैं। आज ये स्थिति वहाँ पैदा हुई है, और इसे मुझे लगता है कि राजनीति में जो अपने अपोजिशन के लोग हैं इनके खिलाफ आपके सामने कुछ होता नहीं, मिलता नहीं, तो ईडी CBI ऐसी एजेंसी का गैर इस्तेमाल करके राजनीति में एक तरह की दमन नीति आज इस देश में शुरू हुई है। मुझे लगता है कि लोग इस बारे में कभी न कभी से सबक सिखाएंगे।